कल हमारे पास एक दोस्त आए हुए थे और बहुत बड़े उस्ताद हैं, ऑनलाइन उस्ताद हैं, onlineustad.com चलाते हैं वाली। उनसे गपशप हो रही थी तो वो बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे थे मुझे, हर बात को बार बार कह रहे थे मैं आपका से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं जब छोटा था और जब लोगों को आईटी का बोलता था कि आईटी चला लो, ये हो जाएगा, ये फ़ायदा होगा, तो मैं गलती ये करता था कि मेरे दिल में बहुत सारी बातें होती थी और मैं खौफ ज़दा होता था कि मैं लोगों को बताऊंगा तो उनको बुरा लग जाएगा, उनको अगर कोई गाइडेंस दूंगा तो बुरा लग जाएगा कि तुम्हारी तो उम्र ही क्या है बच्चा, छोटे से हो नन्हे, जब बड़े हो गए जब बात करना। अब आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो ये कह रही थी खातून के कोई मेरी बात नहीं मानता। मैंने उनसे कहा कि भाई पुलिस के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑनलाइन होने चाहिए, FIR कटी हुई है जेलों में, जो लोग हैं अगर हमें गूगल कर सकें उनको, उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकें। तो उन्होंने कहा कि लोग डिमांड ही नहीं करते इस तरह की चीज़ें। तो मैंने कहा लोग डिमांड तो जब करेंगे कि जब कोई इस किस्म की चीज़ों को इमेजिन करेंगे, लोग इमेजिन ही नहीं करते, ख्वाब ही नहीं देखते, जब इमेजिन नहीं करते तो डिमांड भी नहीं करते। खैर तो मेरा ये मशवरा है, आज अगर कोई छोटी उम्र का बच्चा इसको देख रहा है, मैं भी छोटा सा हूँ वैसे तो, लेकिन मुझसे भी कोई छोटी उम्र का देख रहा है तो अपने दिल में जो आइडियाज़ हैं इस खौफ से कि लोग क्या कहेंगे अपने दिल में ना रखें, बल्कि सिर्फ 3-4 लोगों को जो आप बताते हैं उनको भी ना बताएं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ब्लॉग कर दें, वीडियो बना दें, फेसबुक पे लगा दें, मुझ तक पहुंचा दें। अब मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दूंगा और मैं जब ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दूंगा तो आपका आइडिया आप माने या ना माने बीज की तरह होते हैं, छोटा सा बीज होता है वो हम फेंक के चले जाते हैं, उससे कुछ सालों के बाद दरख्त निकल आता है, लेकिन कुछ साल लगते हैं। कोई भी बीज ऐसा नहीं है कि हमने लगाया और बड़ा सा दरख्त बन जाए एक साल के अंदर, अभी तक तो ऐसा कोई दरख्त देखा नहीं है, हो सकता है होता हो लेकिन मैंने नहीं देखा। तो और आइडियाज़ मेरे नज़दीक बीज के मानंद होते हैं, आप अपने आइडियाज़ को ज़रूर 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 लोगों तक शेयर कर दें और आप यकीन करें कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि लोग उस पर अमल कर रहे होते हैं। मैंने अपने चारों तरफ बहुत सारे आइडियाज़ जो मेरे थे जो कि लोग, मैं समझता था कि लोग बात नहीं सुन रहे मेरी, बात नहीं मान रहे मेरी, अब होते हुए देख लिए हैं। और मेरा आपको भी यही मशवरा है कि अगर आपके जहन में कोई आइडिया, किसी के लिए मशवरा है, प्यार से, मोहब्बत से, सलीके से लोगों को बता दें, लोग ज़रूर सुनते हैं। अगर उस पर अमल नहीं करते तो उस वक्त उसके लिए तैयार नहीं होते, तो उस खौफ से कि लोग आपकी बात को मानेंगे नहीं, आप आइडिया देना बंद ना करें। मैं भी यही करता था, यार इनको मशवरा देना बेकार है, सुनते नहीं है, ऐसा ना करें, ज़रूर मशवरा दें, आपका मशवरा सुना जा रहा है, लेकिन आपका मशवरे पे अमल अपने टाइम पर होगा। आप अपने मशवरे को देते रहें, आप अपने आइडियाज़ लोगों को बताते रहें, लोग सुन रहे हैं, आपके वालदैन, आपके दोस्त, आपके दुनिया आपकी बातों को सुन रही है, समझ नहीं रही है, एक दिन आएगा कि आपकी बातों को पूरी तरह समझ भी जाएगी, यकीन करेगी और फिर अमल करना शुरू कर देगी। इट विल टेक टाइम, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, सब्र 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 मोमिन की मेराज है, सब्र कीजिए, ज़रूर मुल्क अच्छा होगा, ज़रूर आपका चारों तरफ अच्छा होगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, क्यों, इन अल्लाह है माए साबिरीन, अल्लाह मियाँ सब्र करने वालों के साथ है। अस्सलाम वालेकुम।